एक भाई साहब का मैसेज आया है व्हाट्सएप पर कि ईएमए को बिगिनर्स कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाइए। तो तुम्हारा भाई उपस्थित है ईएमए पर वीडियो लेकर। थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, केवल 10 सेकंड का एडवर्टाइज करूंगा और पूरा चलेंगे सीधा मुद्दे पर। तो एडवर्टाइज शुरू होता है अब। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आप भी इसी तरह ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए सबसे पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि मुझे ये समस्या, तुम्हारा भाई लेके आएगा तुम्हारे लिए वीडियो उस पर। अब चलिए चलते हैं सीधा मुद्दे पर। ईएमए क्या है दोस्तों? ईएमए यानी मूविंग एवरेज की ऐसी लाइन जो कि मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करती है, मतलब पुराने प्रीवियस डाटा को फॉलो करते हुए बताती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। मैक्सिमम ट्रेडर इसका यूज़ करते हैं, हालांकि हम प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और तुम्हारा भाई इस वीडियो में तुम्हें एक ऐसा सेटअप बताएगा ईएमए का, जिसमें से अगर तुम 10 ट्रेड इनिशिएट करोगे ईएमए पर तो 8 तुम्हारी प्रॉफिट में कटेगी। तो अब समय बर्बाद ना करते हो, चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्यों गुरु, लाइक किया कि नहीं किया? नहीं किया हो तो कर दो यार, चले सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। आओ जरा चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है। आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ईएमए इंडिकेटर को आप, मैं जो बता रहा हूँ इसको केवल आप इंट्राडे में यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म में आप ईएमए यूज करते हैं, लेकिन उसकी जो सेटिंग रहती है वो डिफरेंट रहती है। यहाँ पर जो मैं बताऊंगा केवल आप इंट्राडे ट्रेड के लिए इस सेटअप को यूज करेंगे, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेड इस सेटअप पर प्लान कर सकते हैं। अगर आप 10 ट्रेड लगाएंगे तो मैं कहता हूं कि आपकी 8 ट्रेड प्रॉफिट में कटेगी, और अगर 2 ट्रेड लॉस में कटती है तो रिस्क मैनेज करके चलना। ओके, अब ये मेरा ब्रोकर का अकाउंट है एंजल वन का, उसमें मैंने ये चार्ट ओपन कर रखा है। आप इसको ट्रेडिंग व्यू पर अप्लाई कर सकते हैं इस इंडिकेटर को, या आप जिस ब्रोकर में आप काम करते हैं उसके चार्ट पर जाकर, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर इस ईएमए वाले इंडिकेटर को लगाकर प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं हम इंडिकेटर कैसे लगाएंगे। दोस्तों यहां पर आप जैसे चार्ट ओपन करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक इंडिकेटर वाला सेक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर मैं क्लिक करता हूं, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर सर्च करना है ईएमए। यहां पर मैं सर्च करता हूं ईएमए, आपको पहला ही दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर दो बार टैप करना होगा, क्योंकि हमें दो बार लगाना है। जो मैं सेटअप बताने जा रहा हूं ना, इसको आपको दो बार लगाना है। तो यहां पर मैंने एक बार अप्लाई किया इसको, देन अगेन इसको अप्लाई करना है। दो बार मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहां पर हमारा जो ईएमए जो इंडिकेटर है वो लग चुका है, आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन आ गई है। अब ये है बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग 9 दिन के ईएमए की, मतलब ये पुराने 9 दिन के डाटा को फॉलो करते हुए हमें अभी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का अप ट्रेंड है, यहां से डाउन ट्रेंड आया। अब हमें इसमें ट्रेड प्लान करना है सेटअप पर, तो कैसे करेंगे? तो यहां पर आपने जैसे ईएमए लगाया तो आपको यहां पर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर आपको शो हो रहे हैं कि आपने यहां पर 2 ईएमए लगा रखे हैं। अब यहां पर आपको इसकी सेटिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहां पर आप क्लिक करिए। लेंथ यहां पर बाय डिफॉल्ट 9 की है, आपको मेरे सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो यहां पर आपको लेंथ करना होगी 21 की। ठीक है, 21 की लेंथ करने के बाद आपको सीधे चले जाना है स्टाइल वाले सेक्शन में। स्टाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद यहां पर आपको इसका कलर कर देना है रेड, क्लियर है, और थोड़ा सा इसकी लेंथ को बढ़ा देना है, थिकनेस को बढ़ा देना है, ताकि आपको दिखे अच्छे से लाइन, है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं, देन इसको अप्लाई कर देना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। देन सेकेंड वाले की सेटिंग में आपको वापस जाना है, और अब इसकी जो बाय डिफॉल्ट लेंथ है 9, उसको आपको कर देना है 15। सेम प्रोसेस स्टाइल में जाना है, यहां पर आप कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूं ब्लू, और इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अब ये हमारा सेटअप पूरी तरीके से अप्लाई हो चुका है ईएमए वाला। अब इस पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे प्लान करोगे? तो दोस्तों अगर मार्केट अप ट्रेंड में, और जब भी आपको अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल इस ये दोनों ईएमए की लाइन के ऊपर बनती हुई दिखाई दे, जैसे कि यहां पर देखिए एक ग्रीन कैंडल, इतनी सारी ग्रीन कैंडल ईएमए के लाइन के ऊपर बनती हुई दिखाई देती है, मतलब ये इंडिकेट करता है यहां से अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, आप बाय कर सकते हैं। तो आप यहां पर अगर इस ग्रीन कैंडल पर आप एंट्री करते हैं, जैसे ईएमए की लाइन को छोड़ते हुए ये एक ईएमए की लाइन को छोड़ी और अगली कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल ईएमए के ऊपर बन गई, आपने मार दी कॉल में एंट्री। ठीक है, कॉल में
कॉल में एंट्री करने के बाद आप देखिए इस ईएमआई के सेटअप ने आपको कितना प्यारा मूव दिया है अपसाइड में। मतलब आप 1:2 छोड़िए, 1:3 छोड़िए, 1:10 के टारगेट के लिए भी इस मूव को कैच कर सकते हैं। ओके क्लियर है। अब मान लीजिए आपने कॉल में एंट्री तो कर ली, भैया हम एसएल को ट्रेल करते हुए यहां तक लेके आ गए, अब हमें एग्जिट करने के लिए क्या करना होगा। तो आपको अगर एग्जिट करना है तो देखिए कि ईएमए की लाइन को क्रॉस करते हुए रेड कैंडल बन रही है क्या, यहां पर हमें रेड कैंडल ईएमए की लाइन के ऊपर बनती हुई दिख रही है। आप एग्जिट कर दीजिए अपनी पोजीशन को, बड़े रॉकेट मूव दिखा आपको। सेम प्रोसेस रहता है पुट साइड में। पुट साइड में कैसे रहेगा मैं आपको यहां पर एक डाउन ट्रेंड का आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक डाउन ट्रेंड है, आपको देखना है कि ईएमए की लाइन के नीचे रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है क्या। मुझे यहां पर ईएमए की ये रेड कैंडल ईएमए को टच कर रही है, लेकिन अगली जो कैंडल है, अगली कैंडल देखिए छोटी सी कैंडल ईएमए के नीचे बन रही है। मतलब ये मुझे इंडिकेट कर रही है कि यहां से मैं पुट को बाय कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने पुट बाय कर लिया। अब मेरे को यहां पर भी आप देखिए 1:3 या 1:5 के टारगेट आराम से मिल गए। लेकिन अगर हम यहां पर एग्जिट नहीं करते, हम तो भैया एसएल ट्रेल कर रहे हैं, तो हम एग्जिट कहां करेंगे, जब भी एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल हमारी ईएमए के लाइन के आसपास बनने लगेगी। तो भी आप देख सकते हैं यहां से 1:2 आपने आराम से पकड़ लिया, 1:3 पकड़ लिया आराम से। तो ऐसे इस सेटअप को अप्लाई करिए। देन मैं कहता हूं 10 ट्रेड अगर आपने बनाई ना इस पर एक हफ्ते में, 8 आपके प्रॉफिट में कटेगी, 8 आपके प्रॉफिट में कटेगी। और अगर 2 आपकी लॉस में कटती भी है तो रिस्क मैनेज करिए, छोटे छोटे एसएल पर काम करिए, देन आप इस सेटअप से भी प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई ये था ईएमए। अगर समझ में आया हो, वैल्यू मिली हो इस कंटेंट को, तो लाइक जरूर करना। अगर नहीं समझे हो तो लाइक मत करो, टाइम क्यों खराब कर रहे हो, सीधा टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम से मेरा नंबर उठाओ, और जो भी इसमें टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ताकि अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो और किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। इतनी आसान भाषा पे पूरे YouTube पर सर्च कर लो तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा। नहीं समझ में आया व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फिर बनेगी वीडियो। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तुम्हारा भाई वीडियो बनाते ही रहेगा। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।